परिनिर्माण दिवस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। इस दौरान पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के छात्रों ने कहा कि दलित शोषित बहुजन के उद्धार के लिए जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर अपने गमों को भूलकर संविधान की रचना की है, उसी के चलते आज हम सबको यह सम्मान मिला है। आपको सुनाते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के छात्रों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या कहा है। क्या कार्यक्रम आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये महापरिनिर्वाण है 66वां, और ये महापुरुष कोई आम आदमी नहीं, ये वो महान शख्सियत है जिन्होंने इन गुलामों की जंजीरों को तोड़कर इंसान बना दिया। करोड़ों दलितों शोषितों बहुजनों और सर्व समाज के हितैषी भारतीय संविधान को जिस तरह उन्होंने सजोया एक सर्व समाज के सम्मान में, ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना गम भुलाकर जिस तरह उनको साथ छुआछूत हुआ, भेदभाव न हुई, वो सब दरकिनार करते हुए समानता का भाव जो है तो लाते हुए भारतीय संविधान को उन्होंने बनाया। ऐसे महान डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी विश्व रत्न की आज महापरिनिर्वाण आज मनाया गया, और ये पूरा जो है तो यहाँ युवा छात्र यहाँ पर एकत्रित है, खास तौर से पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के हमारे सभी छात्र युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज बाबा साहब की आज प्रतिमा पर ये कलेक्टेड परिसर में जो है तो मूर्ति पर जो है तो मोमबत्ती कैंडल मार्च निकाल कर जगह जगह पूरे चौराहे शिल्पी प्लाजा से होते हुए जो है तो अस्पताल चौराहा और इधर मार्तन 3 से होते हुए आज कलेक्टेड में जो है तो बाबा साहब की मूर्ति पर कैंडल मार्च का समापन यहाँ पर किया जाएगा, और यहाँ पर सभी हमारे बुद्धिजीवी टीम भी यहाँ पर उपस्थित है, और यहाँ पर युवा टीम साथी जो है तो माननीय देवेंद्र त्यागी जी, माननीय इधर राबेन्द्र जी और कई हमारे युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। इधर माननीय बुद्धिजीवियों में माननीय डॉक्टर KP आज़ाद जी, माननीय चंद्रिका जी, माननीय सरजीत जी, माननीय मुन्ना जी, और इस तरह से सभी हमारे यहाँ समाज के हितैषी बुद्धिजीवी टीम यहाँ पर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण पर एकत्रित हुए। छत पर साहू जी महाराज।